पूरा पारिवारिक माहौल है फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन परिवार जैसा है क्योंकि बिटिया का बर्थडे है, हम लोग आशीर्वाद देने आए हैं और शुभकामना देने आए हैं। बिटिया हम सब खुश रहे, सब सुखी रहे और बेटी तो सबको प्यारी होती है, हम लोग को बहुत ही प्यारी है, पूरी इंडस्ट्री को प्यारी है और कीर्ति इतनी प्यारी है कि सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाह कर सब लोग पूरी इंडस्ट्री आई है बिटिया को आशीर्वाद। उन्होंने एक्टिंग की है तो एज ए एक्ट्रेस क्या फ्यूचर? बहुत ही प्रतिभाशाली है क्योंकि मैंने देखा है एक इंटरव्यू में, इनके साथ इंटरव्यू कर रही थी खेसारी जी के साथ, तो जैसे हम लोग मानते हैं कि बातचीत करने में इनको कोई हरा नहीं पाता है खेसारी जी, कोई अपने आप को कितना भी चालाक बन के आए कि इनको ठग के निकल जाएगा और इनको चाहता है कि वो अपने झांसे में ले ले, पर बातों में इनसे जीतना मुश्किल हो जाता है, फाइनली वो हार ही जाता है। तो ऐसे आदमी को भी वो हरा देती है जब बात करती है, तो निश्चित रूप से बहुत अभिनय क्षमता भी उसके अंदर बहुत अच्छी है और भविष्य उसका बहुत उज्ज्वल है। हम लोगों की शुभकामना और आशीर्वाद है। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम तो आशीर्वाद उसको डेली देते हैं, लेकिन ये मुझे आशीर्वाद देते हैं और आज मेरी बेटी को, मेरे अंश को आशीर्वाद देने आए हैं भैया। तो इनसे मेरा रिलेशन एक फैमिली का ही नहीं, एक बाप बेटे की तरह रिश्ता है और मैं इनको अपने इंडस्ट्री में एक पिता की तरह पूछता हूँ क्योंकि मैं इनको देख कर, इनको सब कुछ करके ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं अपना आदर्श मानता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के, जब भी मैं यहाँ पे आया, और मेरी जीवन में सबसे बड़ी भूमिका इनकी है क्योंकि जब मेरी पहली फिल्म में, आलोक भैया ने बताया था मुझे, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी तो भैया ने ही 25 लाख रुपये देकर और फिल्म को रिलीज कराया था, तो इनका एक बहुत बड़ा एहसान है और शायद मैं आजीवन इनके कर्जदार हूँ और अब एक बड़े भाई की तरह मानता हूँ, एक पिता की तरह मानता हूँ। तो ये शब्द बोल पाया मैं, नहीं तो शायद ये बात बोलने की नहीं है। ये मेरे लिए पूजनीय है और आजीवन पूजनीय रहेंगे और मुझे पता है कि जितना इनके लिए प्रवेश भी प्यारे हैं उतना ही प्यारा मैं भी हूँ और ये भी उतना ही मुझे सम्मान देते हैं, एक छोटे भाई की तरफ मानते भी हैं और मुझे कभी कष्ट होती है, तकलीफ होती है तो मैं भैया से शेयर करता हूँ और ये मुझे सलाह देते हैं कि बेटा ये रास्ते है, चलता रहता है, इसको इंजॉय करो, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इंजॉय जब उसको मान लोगे तो तकलीफ भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और यहाँ जो भी बैठे हैं जैसे कि हमारे सुभाष भैया, तो ये हमारा ही गार्जियन नहीं, ये भैया के भी गार्जियन है और भाभी माँ का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहता है हमेशा। हम ज़्यादा टाइम तो नहीं दिए भैया के बारे में, लेकिन कलाकारों के लिए मसीहा है और कलाकारों के लिए एक भगवान की तरह यहाँ रहने का, अगर किसी कलाकार को तकलीफ होता है तो सबसे पहले सुभाष भैया खड़ा होते हैं और आज ये पूरी जनता की रक्षा करते हैं। वहाँ पे इतना सीट नहीं निकला, उसके बावजूद भी सबसे पहले इनका सीट निकला, तो कहीं ना कहीं ये प्यारे इतने हैं, इतने खूबसूरत इनका व्यवहार है कि पूरी दुनिया, और मैं तो भविष्य में यही कहना चाहूँगा, दुआ करूँगा माता रानी से, नवरात्र चल रहा है कि हमारे भैया आज विधायक बने हैं लेकिन कल एक मंत्री पद पे आए, ताकि हम लोग को खुशी हो कि हमारा एक घर परिवार का हमारा बड़ा भाई आज इतने बड़े लेवल पे हैं, ताकि हम भी कहीं जाकर बोल सके कि हमारे घर में भी एक मंत्री है। लेकिन ऐसा होगा, जरूर होगा और वो बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। तो और अमरपाली दुबे जी जो कि आज मेरी बेटी को आशीर्वाद देने आई हैं, तो दिल से थैंक यू, लव यू कि आप इतने प्यारी खूबसूरत हैं और आज सिल्वर जुबली स्टार आप भी हैं इस इंडस्ट्री के, और आजीवन तो नहीं कह सकता क्योंकि आपका भी उम्र गिरेगा नहीं सबका, मेरा भी गिरेगा, अब हम थोड़ी मानी जी, हम ऋतिक रोशन बन रहे नीचे, दिनेश जी हम भी पुराने होंगे, खेसारी लाल जी भी कुछ साथ में, कुछ प्लान चल रहा है कुछ नया प्रोजेक्ट का? हाँ प्लान तो चल रहा है, कई फिल्मों का हम लोग प्लान चला रहे हैं, एक तो फिल्म है परिवार 2 उसमें हम लोग सोच रहे हैं और उसके अलावा भी एक दो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग, जो सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट बनने वाला है जिसमें मैं, खेसारी जी और पवन जी तीनों आने वाले हैं। कौन बनाएगा इसको पहले वो बताइए। जो बनाएगा वो तो तैयार है, अब बस बाकी लोग तैयार हो जाएं, बाकी लोगों को देखना है कि ये फिल्म मतलब
अगर इस फिल्म का प्रोड्यूसर अम्रपाली होगी तो बन जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अम्रपाली जी हों या कोई भी हमारे इंडस्ट्री के हों, पर ये हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी बने, क्योंकि ये फिल्म बनी थी जब मैं, रवि भैया और मनोज भैया फिल्म कर रहे थे, तो हम तीनों को लेकर बनी थी, 4-5 साल लग गया था उसको बनाने में। अब क्या था, 10 साल लगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक महीना बन जाए, इसमें इतना समय ना लगे और उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। अब अच्छा था, आप मेरे भी नेचर को जानते हैं और मैं आपके नेचर को जानता हूँ। हमारी और आपकी जब फिल्म बनी थी जिसका नाम था दूध का खर्च, कितने दिन में हम लोग बनाए थे? हाँ तो बन जाए, अभी 7 बजे उठते थे, 7 बजे सेट पे भी मिलते थे, 7 बजे सेट पे मैं भी मिलता था, और दोनों भाई जम के फाइट भी किए, तो बाप रे इतने धूप में, इतने बालू के रेत में किए, और जल जल के हम लोग काम किए, और उस फिल्म को हम लोग शायद 28 से 29 दिन में बन गई थी। वो फिल्म रिलीज होने में टाइम लगा, तो हम लोग का लुकआउट नहीं था, हम लोग पोस्टर तो चिपकाएंगे नहीं, तो पोस्टर चिपका लो, बहुत जल्दी बनेगी, बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए आप बस। और पवन भी अभी हम लोग के साथ आएंगे तो एकदम एनर्जी के साथ आएंगे, क्योंकि अच्छे एक्टर हैं, दबंग आदमी है वो, और कहीं ना कहीं जब हम दोनों भाई टाइम से पहुंचेंगे तो भी टाइम से आएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत मेहनती हैं और बहुत ही सेट पे बहुत ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहते हैं, मैंने किया उनके साथ काम, खून पसीना, तो बहुत पसीना बहाते हैं वो, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम तीनों की फिल्म आए, और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, उनकी भी इच्छा है, वो लोग चाहते हैं, तो बस आप लोग दुआ करिए कि जल्दी से, बस आप दुआ करिए कि हम तीनों भाई एक साथ आएं और कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि इंडस्ट्री को एक अच्छे व्यवहार का परिचय मिले, जो फालतू की डिस्कस चल रही है उस सब से दूर। हम तीनों भाई एक हैं और हम तीनों जब मिलते हैं तो एक खून की तरह मिलते हैं, और ये फालतू की जो चीज़ें चल रही है दुनिया करती है, हमारे अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है, तो हम तीनों भाई जब भी मिलेंगे और जब भी प्रोजेक्ट करेंगे वो मैंने सुपर हिट छोड़ दीजिए, वो कितना बड़ा स्टार होगा शायद उसको भी अंदाज है, कोई स्टार उसके आगे नहीं रहेगा, इसके अंदाज हमें भी है, जो हम तीनों भाई अच्छे से काम करेंगे, अच्छा होगा और अच्छा होगा, बढ़िया। आज कीर्ति के बर्थडे पे पार्ट 2 अनाउंस हो गया। चलिए मेरे, मैं क्या कहूँ, वो तो मेरी लाडली है और मेरी जीवन की सबसे बड़ी अनमोल रतन है वो, उसके पांव मेरे लिए शायद भगवान की तरह है, मैं उसका पांव छू के ही कहीं जाता हूँ, क्योंकि जब वो आई 2008 में मेरे जीवन में, तो 2008 में मेरा एल्बम हिट हो गया, और उसके बाद से मैं लगातार पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी का बहुत बड़ा योगदान है, तो आई लव यू बेटी, तो लक्ष्मी होती है, और मेरे लिए वो जीवन की सबसे बड़ी अनमोल, अपने करियर में सबसे ज्यादा अहमियत मैं उसको देता हूँ। नवरात्रि के दिन क्या कहना चाहते हो? वो तो साक्षात लक्ष्मी है मेरे लिए, और दुर्गा भी है, वो सब कुछ है, वो जब तांडव करती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है मेरे को। और हम हमारे तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना हमारे इस चैनल पे देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको दिल से थैंक यू कि आप लोग नवरात्र करिए, और माता रानी सबके घर में है, सबको खुशहाल जिंदगी चले, और आप लोग की जिंदगी खुशहाल होगी तो शायद हम कलाकारों की भी जिंदगी आपसे जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं आप खुश रहेंगे तो हमारी खुशी तो आपकी खुशी से, तो ऐसे ही खुश रहिए ताकि हम खुश रहें। दशहरा की ढेर सारी शुभकामना रावण जलने तक। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामना, आप अपने जीवन में खूब खुश रहिए, तरक्की कीजिए और अपना आशीर्वाद प्यार हम लोगों पे बनाए रखिए, यही दुआ करते हैं। सुभाष भाई आपका कहा चाह जो है आज सिपाही जी व्यस्त टाइम से आप आए हैं बेटी को व्यस्त दुआ देने के लिए, हमारा परिवार है जहाँ पे उत्तर भारतीय और सवाल उठता है, एक इतना लगाव है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, मैंने तो देखा है दिनेश को, खेसारी को, पवन को, मनोज जी को, कौन सा कलाकार है जिसको मैं नहीं जानता, लेकिन मेहनत के मामले में जिस तरह से दिनेश और खेसारी जी आज एक मुकाम पर पहुँचे हैं, मेहनत की बदौलत पहुँचे हैं, और एक नए कलाकारों के लिए एक सीख है, और आज बच्चे के जन्मदिन पे आए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्र का महीना चल रहा है और इस पावन महीने में बच्चे का जन्मदिन आया, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से हमारे भोजपुरी के कलाकार एक हम सम्मान की दृष्टि से जिस तरह से मुंबई शहर में रह करके अपने आप को इन्होंने स्थापित किया है, तो ये हमारे समाज के बहुत ही बड़े सुपरस्टार, और अम्रपाली जो एक अच्छे मुकाम पे पहुंची है, तो हम सभी लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं, दशहरा की शुभकामनाएं।
जैसे खेसारी जी ने कहा रावण बन लेता। थैंक यू। अब खाना खाने दो। अच्छा हाँ, इधर से राम भैया।